अयोध्या धाम में नगरीकरण देख सकते हैं आप, पूरा एकदम चौपट हो गया। अगल बगल का जितना रास्ता था, ये तो मैं अयोध्या से थोड़ा बाहर फैजाबाद रोड पे दिखा रहा हूँ, अयोध्या तो और ज़्यादा चौपट हो गई है। नगरीकरण इतना तेज हो रहा है, लेकिन ये है कि कुछ बनाने में अगर कुछ विनाश भी होता तो उससे अयोध्या वासी को से कोई दिक्कत नहीं। हम सब काफ़ी डेवलप हो रहा है, आपको मैं बता नहीं सकता कि कितना डेवलप हो रहा है इधर साइड में। और रोजगार प्लस दार्शनिक स्थल होने की वजह से सुबह शाम भीड़ दिखाई देने वाली सड़कें एकदम सूनी सानी पड़ी हुई है। इतना बड़ा बड़ा सा गड्ढा बगल बगल में खोद डाले हैं, लेकिन तब भी कोई दिक्कत नहीं। और ये एग्जैक्ट लोकेशन देखकर कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता कि मैं कहाँ हूँ इस समय। इस समय मैं साकेत रोड पर चल रहा हूँ, साकेत वाला जस्ट मेरे पीछे ही है और आप देख सकते हैं श्री अयोध्या धाम में। एक तरफ पटरी होने की वजह से कितनी भीड़ें हैं, कितनी जामे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। नए घाट से नियामा चौराहा आते आते इतनी एक घंटा लग गया, तो ऐसा कुछ है ये भीड़ का आलम। और इसका फ़ायदा अयोध्या वासियों को बाद में मिलेगा, नगरीकरण जब विकास हो जाएगा पूरा ओवरऑल, तब रोडें इतनी चौड़ी चौड़ी बन रही हैं, क्योंकि नए घाट की साइड जितनी रोडें बनी हुई इतनी चौड़ी चौड़ी कि उस पर कभी जाम लगता नहीं। लेकिन फैजाबाद साइड में जितनी भी रोडें बन रही हैं उस पर एक एक घंटे दो दो घंटे वेट करना पड़ता है, ऐसा कुछ है इस समय अयोध्या का हालत। अभी बन ही रहा है ये सब इधर साइड, एकदम सूना हो गया पूरा। यूपी 42 देख रहे हैं ये पूरा, लेकिन इन सबकी भी गलती है, जितने जितने घर बनवाए थे सब अपने रोड पे छका के बनवाए हुए थे, इसकी वजह से इन सबको नुकसान उठाना पड़ा। ये देखिए जोन में कहा तार, देख सकते हैं ये अयोध्या है, लग ही नहीं रहा है कहाँ। अच्छा अच्छा ना रहा, लखनऊ का कबाब पराठा तगड़ा बना था। नहीं कटवा कहीं चलो, वीरानी और सूनी पड़ी अयोध्या धाम। एक दिन आपको जल्दी अयोध्या का वो दर्शन करें। देख रहे हैं विकास के इस दौर में।
ओ तेरी टूट के बिगड़ गए। मौर्या जी जिनकी जलेबी बहुत ज़्यादा फेमस है और सारे अयोध्यावासी मतलब यहाँ ज़रूर खाते होंगे मुझे लगता है, तो एकदम टूट के अस्त व्यस्त हो गए, लेकिन फिर दोबारा अपनी दुकान को उन्होंने नए सिरे से जो है स्टार्ट किया। बहुत फेमस है, बहुत फेमस है ये। आपको क्या नाम है, तुलसी उद्यान के पास में और क्या तुलसी उद्यान और हनुमानगढ़ी के बीच में मौर्या मिष्ठान करके है दुकान। जलेबी, दही जलेबी बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते। तो ऐसा कुछ है अयोध्या, हमारी अयोध्या का नज़ारा, जो इस समय नए नए अपने दार्शनिक स्थलों के लिए दिन प्रतिदिन जो है देश विदेश तक फैला हुआ है। और अयोध्या का इतिहास तो ऐसा रहा है, कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसको अयोध्या के बारे में पता ना हो, तो ऐसा कुछ है। ये तुलसी उद्यान करके हैं जहाँ परिक्रमा के समय आते हैं सब, आराम करते हैं, और परिक्रमा के समय इतनी भीड़ रहती है कोई जवाब नहीं, सब बाहर की इतना ज़्यादा एकदम बिराना होगा, आपको बता नहीं सकते कि इधर कितना अच्छा अच्छा दुकानें हैं, वो सब थी लेकिन सब चौपट हो गया। इसकी वजह से इतनी भीड़ लगती है अयोध्या धाम में, इतनी भीड़ लगती है इस समय, यहाँ सब बहुत ज़्यादा दुकानें थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब जिनका घर पीछे रहा होगा और जिनका घर आगे रहा होगा, और पीछे वालों का तो मज़ा आ गया होगा, यही है चेंजेस, पता नहीं कब उतार चढ़ाव आ जाए और बाबा का बुलडोजर चलने लगे और सारा अस्त व्यस्त कर दे। देख रहे हैं इतना बड़ी बड़ी रोडें अब बनेगी इधर। और जैसा कि गाइस मैं आके आप पहुंच गया हूँ नया घाट राम की पैड़ी पे, जहाँ से परिक्रमा के समय यहीं से स्नान और ध्यान कीर्तन करते यात्रीगण जो है अपना शुरुआत करते हैं, और इसके बाद यहीं पे आके अपनी परिक्रमा ख़त्म कर सकते हैं। इसका नाम जो है लता मंगेशकर चौराहा, जिसका जैसा कि आप देख सकते हैं भीड़ा आदमी। और आज लता मंगेशकर जी का जन्म भी है क्या आज, जिस दिन मैं अपनी, ये है नए घाट पुलिस चौकी। हाँ देखो, और हमारा घर इस वाले रोड पे है, देख रहे हैं प्रयागराज हमारे यहाँ से कितना 172 किलोमीटर दूरी पे है। ये सब देख रहे हैं, ये रोडें देख सकते हैं आप कितनी चौड़े रोडें हैं, ये सब जो है बन के तैयार हो चुकी है। और इधर जगह देख सकते हैं, इधर कितनी लंबी चौड़े रोडे दो दो तरफ से का का हो है। ये मीन नया नया बनना, देख रहे हैं ऐसा कुछ नया नया लोकेशन जो है अयोध्या धाम का होता जा रहा है, अच्छा लगेगा कुछ दिन के बाद। सब बाहर के लोग आके सिमटते जा रहे हैं यहाँ पे, इतनी लंबी लंबी रोडे हैं। कि आपको अयोध्या धाम मेरा अच्छा ही लगा होगा ओवरऑल, तो इसमें मैं बाईपास लखनऊ और इसके बाद जो है गोरखपुर हाईवे के पास आ गया, और यही पास में ही मेरा घर है, तो आप देख सकते हैं कि कितना नज़दीक और कितने धार्मिक सब लोग जन्म लेने के लिए अयोध्या धाम में तरसते हैं, और मेरा तो जन्म यहाँ पे हुआ है, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म जो है अयोध्या धाम में हुआ है।
नहीं होगा, लेकिन यह है कि एक चैप्टर रोटेशन नहीं बताना चाहिए मुझे लगता है। सरयू महासरयू किनारा, जैसे आप दोनों तरफ महासरयू, इधर शमशान घाट है, इधर अंतिम संस्कार होता है, और इधर ही जो है अभी कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर, मिलियन में जिनके सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूबर आए थे जिन्होंने यही नीचे का दृश्य जो है लिखवाया था, जहाँ मुर्दों के ऊपर जो है खेती या किसानी होती है, ऐसा कुछ है। और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड सेल्फी लेते हुए, ये सेल्फी पॉइंट है, शाम को आप देखेंगे बहुत भीड़ लगती है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, ऐसा कुछ है महासरयू का किनारा। बहुत सुकून फील होता है अयोध्या वासियों को यहाँ पे आके। और इस समय मैं चल रहा हूँ गोरखपुर और लखनऊ के हाईवे पे NH20। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय इंडिया, जय प्रयाग।